चलिए तो अब ध्यान से जवाब देना, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि साइंस का सेक्शन शुरू हो गया है और साइंस का सेक्शन हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आराम आराम से फोकस के साथ जवाब देना, ठीक है। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? दालें, मांस या अंडा? बी तेल, मक्खन और घी? सी फल और हरी सब्जियां, या फिर आलू, मक्का और गेहूं? क्या है मुख्य स्रोत? तो बच्चे, हम सभी को पता है कि फैट, पेट में फैट कैसे बढ़ेगा? लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा तेल तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा कैलोरीज वाला खाना नहीं खाना चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए खाने में। तो वो तेल, मक्खन और घी से फैट मिलता है हमें। अगला, शरीर में इंसुलिन की स्त्राव सॉरी कम होने से व्यक्ति को डैश की शिकायत होती है। मतलब अगर किसी के शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा? कम रक्त दबाव, उच्च रक्तताप, रक्त में उच्च शर्करा का स्तर, या फिर रक्त में शर्करा का स्तर कम होना। तो बच्चे देखो, इंसुलिन करता क्या है उससे समझ में आ जाएगा। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन पेनक्रियाज में पाया जाता है। कहाँ पे? पेनक्रियाज में पाया जाता है। काम क्या होता है इंसुलिन का? काम होता है कि ब्लड के अंदर, यानी कि खून के अंदर जो शुगर है, ठीक है, मतलब जो शक्कर है एक तरह से, उसकी जो मात्रा है उसको कम करना, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या है? शक्कर की मात्रा को कम करना, ठीक है, बेसिकली कम करने का काम है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन कम हो गया, तो कम होएगा तो क्या होएगा? शक्कर की मात्रा बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होएगा? रक्त में शक्कर की मात्रा उच्च होगी, बढ़ेगी, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। और इसी का ही उल्टा होता है, एक ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन क्या करता है? ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। मान लो इंसुलिन क्या कर रहा है, वो घटा रहा है, मान लो ज़्यादा घट गई तो उसको वापस बैलेंस कौन करेगा? ग्लाइकोजन, ब्लड में शुगर की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। अगला, एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जल्दी से बताओ? प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, बिजली की मोटर, या फिर ट्रांजिस्टर, या फिर सौर सेल, सॉरी हाँ सोलर सेल, या फिर इनमें से सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सोलर सेल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस? तो बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अजीब है बट हाँ सच है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ गलना शुरू भी हो सकती है और पानी बर्फ में भी बदल सकता है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल है, बर्फ पानी में भी बदल सकता है और पानी बर्फ में भी बदल सकती है, ठीक है। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है पानी जो कि भाप में बदल जाता है, भाप में, ठीक है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, तापमान है, जहाँ पे पानी जो है भाप में बदल सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला, एड्स डैश को प्रभावित करता है। एड्स किसको प्रभावित करता है? दिल, मानव शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली, या फिर यकृत, या फिर मानव शरीर की वृद्धि को बचाओ बताओ सॉरी। तो बच्चे, हमारे
एड्स जो होते हैं, एड्स किस में हमारे शरीर के किस रूप के ऊपर, किस चीज के ऊपर प्रभाव डालते हैं? तो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी होती है वो अलग अलग रोग या फिर कोई भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, कोई भी चोट लग रही है, उसको रक्षा अपने उसके शरीर अपने शरीर को रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से अनुकूलित नहीं रहती। ठीक है, मैस कुमार, अरे वाह प्रवीण, प्रेरणा, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है प्रेरणा जी। चलिए तो जो जो आ रहे हैं हमारे हमारी क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और उसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, बच्चे लाइव ज्यादा होते हैं, सब्सक्राइब सॉरी लाइक कम होते हैं, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, भूलना नहीं है किसी भी हालत में। अगला, अंडे की किस हिस्से में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? अंडे के किस हिस्से में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? अंडे अंडा सा नहीं होएगा, अंडे का होएगा, अंडे का सफेद हिस्सा, अंडे का छिलका, अंडे का जर्दी या फिर सभी भाग समान रूप से होते हैं? तो बताओ किस किस ने अंडा खाया है? वेरी गुड वेरी गुड। तो अंडे का बेसिकली जो जर्दी होती है वो यानी कि योक बोलते हैं उसे इंग्लिश में, योक, जो कि हमारे अंडे का सबसे ज्यादा फैट वाला हिस्सा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला हिस्सा होता है। आशीष कुमार, अरे वाह मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू। अगला, खाने में मिलावट का मतलब है? खाने में मिलावट का किस चीज से मतलब है? खाद्य पदार्थ में घटिया पदार्थ मिलना। अगला, पॉलिथीन से तौल की जा रही है कैसा है? या वजन कम या फिर पोषण का प्रसरण प्रसरण करना। चलिए जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या है। तो खाद्य पदार्थ में घटिया पदार्थ मिलना ही है खाने में मिलावट करना। अगला, मलेरिया डैश के कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण या इनमें से कोई भी नहीं? तो जल्दी से बताइए कि मलेरिया किस कारण होता है। तो बच्चे मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण से होता है। प्रोटोजोआ के अंदर प्लाज्मोडियम आता है, क्या आता है? प्लाज्मोडियम, जिसके कारण हमें मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम में जो एक मच्छर होता है, ठीक है, उसके कारण हमें मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। अगला, पक्षियों के अध्ययन डैश को कहा जाता है? बहुत ही आसान है क्योंकि नाम ही दिख रहा है पक्षी विज्ञान, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये ऑप्शन ही क्यों था। तो सही आंसर क्या है? पक्षी विज्ञान। अगला, मानव शरीर डैश का उत्पादन नहीं करता, मानव शरीर किस चीज का उत्पादन नहीं करता? विटामिन, एंजाइम या फिर हार्मोन या खून, किस चीज का मानव शरीर उत्पादन नहीं करता? तो मानव शरीर बच्चे हमारे विटामिन का उत्पादन नहीं करता। चलो विटामिन तो खाने में ऑलरेडी पाया जाता है, उत्पादन नहीं करता। ठीक है, अगले, कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन या कार्बन? तो सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन। अगला, हवाई जहाज के उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत डैश सिद्धांत है, किस सिद्धांत के बेस पे हवाई जहाज उड़ता है? तो कौन सा सिद्धांत है वो बच्चे? साइट, बर्नौली, वॉटसन या फिर क्यूरी?
चलिए तो सही आंसर क्या है हमारा, बर्नौली। बर्नौली थ्योरम यानी कि बर्नौली सिद्धांत के बेस पे हमारा हवाई जहाज जो है वो उड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई क्या है? वैसे लंबाई की एसआई जो इकाई होती है वो तो होती है मीटर, ठीक है मीटर, लेकिन यहाँ पे वाट दे रखा है वो तो होती है पावर की इकाई। ठीक है, अच्छा सेल्सियस दे रखा है, नहीं है उसकी, ठीक है। माइक्रोन दे रखा है एक ऑप्शन जो कि कुछ हद तक लंबाई से रिलेटेड है, पर वो एसआई नहीं है क्योंकि एसआई होती है हमारी मीटर, और इनमें से कोई नहीं, तो बस खत्म, हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, सी। ठीक है, सेल्सियस नहीं है क्योंकि माइक्रोन ही है जो कि इकलौता लेंथ से रिलेटेड है, लंबाई से रिलेटेड है, बाकी वाट है जो कि पावर से रिलेटेड है। तो मीटर जो है सही आंसर होना चाहिए मीटर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सो डी ऑप्शन इज राइट। हाँ डी ऑप्शन मेरे हिसाब से वैसे सही होना चाहिए, हाँ वैसे डी ऑप्शन पे जाओ, क्यों हम माइक्रोन करें, गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए ये था आज का हमारा, ओहो एक आखिरी क्वेश्चन रहता है, सॉरी आखिरी क्वेश्चन रहता है, ठीक है आखिरी है। चलिए अगला क्या है, यदि डैश नहीं है तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। यदि हमारे कंप्यूटर में कोई चीज क्या नहीं होगी जिससे कि कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, क्या चीज नहीं होने से कंप्यूटर बूट नहीं करता है, तो वो कौन सी चीज है, लोडर, कंपाइलर या फिर असेंबलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, किस चीज की कमी के वजह से कंप्यूटर जो है बूट नहीं करता। शिवम मैम जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, नमस्ते। अरे वाह, आपको भी नहीं पता क्या मैम, किसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वाओ तो फिर मैं यहाँ पे हूँ किस लिए है। नाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम है सही आंसर। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होएगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, रिलीज एक सेकंड। तो आज के हमारे क्वेश्चंस की, जीके के क्वेश्चंस की यहीं समाप्ति होती है, और जैसा कि अब जीके के बाद में हमारी साइंस आई थी तो हमारे साइंस के क्वेश्चंस की भी यहीं पे समाप्ति होगी। तो मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी बच्चे हमें आपके स्कोर्स बताइए कि एक एक से लेकर 30 में से जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनके आपके हिसाब से आपके कितने आंसर्स आए हैं, ऑनेस्टली आंसर देना, और साथ साथ में हमारी क्लास को लाइक भी करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।